hello and welcome to ntpl online classes today we are going to discuss about waves and first thing first we'll discuss those important topics which are more relevant for your upcoming examination like doppler effect organ pipe in the next part that is on tomorrow i will be discussing another portion like interference and other things so, first thing first, what is wave? Wave is about propagation of energy. Two types: mechanical and electromagnetic. Mechanical requires medium, electromagnetic wave does not requires medium. Mechanical wave, two types: longitudinal, transverse. Sound is a longitudinal wave, and the speed of sound in liquid or gases is given by the formula V is equals to under root B by Rho. B is bulk modulus and rho is density. Transverse wave, example, wave on a string. String major wave hota, in log transverse wave katha velocity.

we know that the velocity is under root b by rho so the velocity then b ke p, likh denge, p by rho atmospheric pressure pata hota or density of air pata hota. we calculated it and we found that it is 280 meter per second but at that time also it was known that the velocity of sound in air is not 280 meter per second it is 330 or roughly around that so laplace's came with the correction that the process is not isothermal rather the process is adiabatic

तो B की वैल्यू हम लोगों ने लिख दी गामा बाय रो सो so, गामा P बाय रो हम लोग जानते हैं आर टी बाम होता है थर्मोडानेक्वल्स टू रो आर टी सो वहां से हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं सो दिस वॉज इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ वेव्स। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ वेव इज डॉपल इफेक्ट डॉपलस इफिक्स एंड ऑब्जर्वर मूव रिलेटिव टू ईच अदर then the frequency received by the observer f will be different than the frequency actual frequency emitted by the source so this is called apparent frequency that is the frequency received by observer and this is called the actual frequency that is the frequency emitted by the source and the relation is f is equals to f0 v plus minus vo by v plus minus ps. o kya hai vo kya hai velocity of observer vs kya velocity of source and v kya velocity of sound राइट right? अब इसको याद रखना है ओएस ऊपर ऑब्जर्वर रखते हैं नीचे सोच सकते हैं आपको पता है कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने के दो तरीके हो सकते हैं यहां अगर प्लस हो न्यूमरेटर बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ता है या यहां माइनस हो तो फ्रीक्वेंसी कब बढ़ेगा जब सोर्स ऑब्जर्वर के पास जाएगा तब ये ज्यादा सुनेगा या ऑब्जर्वर सोर्स के पास आए तब ज्यादा सुनेगा घटेगा कब जब सोर्स दूर जाए घटेगा कब फ्रीक्वेंसी जब ऊपर में माइनस हो और नीचे में प्लस हो

अब क्या कह रहा है कि दोनों कार एक दूसरे के तरफ जा रहे हैं तो हम लोग ऐसे बता दिया ये जा रहा है 22 मीटर पर सेकेंड से ये कितने जा रहा है 16.5 से तो ये ऑब्जर्वर हो गया ये वी दिया हुआ है वी दिया हुआ है अब फॉर्मूला लिखना है तो एफ इजिकल्स टू एफ नॉट लिख दिए वी बाई वी लिख दिए वी ओ लिख दिए खाली प्लस माइनस सोचना है अब सोचिए ऑब्जर्वर के लिए सो को भूल जाइए सो को स्टेशनरी मान लीजिए जब ऑब्जर्वर इसके तरफ जाएगा तो ये ज़्यादा सुनेगा तो फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा करना है तो ऑब्जर्वर के साथ प्लस लगा देंगे और ऑब्जर्वर को छोड़ दीजिए सोर्स इसके नजदीक जा रहा है तो भी ज्यादा सुनेगा तो ज्यादा सुनेगा अब सोर्स यहां नीचे है तो ज्यादा के लिए नीचे तो निगेटिव होना चाहिए कम होना चाहिए तो इसलिए माइनस लगा दिया अब सब वैल्यू दिया हुआ रख देंगे कैलकुलेट कर लेंगे यू विल गेट योर आंसर राइट अदर क्वेश्चन इज जे एडवांस एटीन थोड़ा लंबा क्वेश्चन है अच्छे से पढ़ते हैं इसको थोड़ा तो लेंदी है दोनों लोग सुनेंगे नीट वाले भी और मेडिकल वाले भी अच्छे से हालांकि मेडिकल वालों के लिए कम इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है

तब एक ऑब्जर्वर है जो कि इन दोनों से इक्वी डिस्टेंट है इक्वी डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस डिस्टेंस बराबर है मतलब ये लाइन इसके बीच में होगा ये पांच होगा ये पांच होगा तो ये बारह है ये दिया हुआ है तो ये थर्टीन थर्टीन हो जाएगा तो ऑब्जर्वर रेस्ट पे है ठीक है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दस मीटर है ये दोनों फ्रीक्वेंसी ये भी फ्रीक्वेंसी मीट कर रहा है ये भी फ्रीक्वेंसी मीट कर रहा है दोनों का फ्रीक्वेंसी दिया, दिया हुआ है एफ नॉट और वो वैल्यू दिया हुआ है चौदह सौ तीस हर्ट दोनों का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है सेम ही है फ्रीक्वेंसी अब कह रहा है कि बताइए ये जो फ्रीक्वेंसी इमीट करेगा तो ये सुनेगा लेकिन ये जो सुनेगा वो तो 1430 नहीं सुनेगा कुछ अलग सुनेगा क्योंकि सोर्स चल रहा है ये सोर्स है सिमिलरली ये भी फ्रीक्वेंसी इमीट करेगा ये सुनेगा लेकिन ये जो इमीट करेगा ये सेम नहीं सुनेगा कुछ अलग सुनेगा तो बताना है कि इसके लिए बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगा ये बीट फ्रीक्वेंसी बहुत बार मिलेगा बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बस और कुछ नहीं बड़ा फ्रीक्वेंसी माइनस छोटा फ्रीक्वेंसी को ही बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं

क्या हो रहा, है? दूर जा रहा है।, इधर तरफ एरो है ना दूर जा रहा है तो दूर जा रहा है सोर्स दूर जा रहा है तो, तो फ्रीक्वेंसी तो कुछ था नहीं वी, वी दिए अब ये फ्रीक्वेंसी कम है ये फ्रीक्वेंसी कम है क्योंकि दूर जा रहा है तो यहां पर प्लस सोर्स का वेलोसिटी लिख देंगे तो ये एफ वन हो गया सिमिलरली ये जो एफ टू है ये इधर जा रहा है टू मीटर पर सेकेंड से इसका कॉम्पाउंड लिख दिया ये थीटा तो ये भी थीटा हो क्योंकि ट्रैंगल आइसोसलेस ट्रांगल है तो इधर की तरफ हो गया टू कॉस्ट ठीटा कास्टा की वैल्यू रख दिया अब ये सोर्स इसके तरफ जा रहा है ऑब्जर्व के तो ये ज्यादा सुनेगा तो इस पर फ्रिक्वेंसी में यहाँ माइनस हो जाएगा एफ टू निकाल देंगे दोनों का डिफरेंस लिख देंगे आंसर आ जाएगा यहाँ पर बाकायदा मैंने दोनों का फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस किया है आप चाहे तो देख सकते हैं एफ टू की वैल्यू लिखी है एफ वन की वैल्यू लिखी है बीट होता है दोनों का डिफरेंस तो एफ वन एफ टू देखिए यहाँ दिया हुआ था दोनों को मैंने यहाँ

पहला ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी फिक्स होता है एक ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रिक्वेंसी एक ही होता है चेंज नहीं होता दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी बढ़ता है अगर उसको फाइल करें फाइल करना मतलब उसको था पतला करना और ट्यूनिंग फोर्स का फ्रीक्वेंसी घटता है अगर उसको वैक्स मोम का परत उसके ऊपर चढ़ा दे loading कर दे तो उसका फ्रीक्वेंसी घट जाता है तो दो पॉइंट ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी फिक्स होता है और दूसरा फाइलिंग करने पर फ्रीक्वेंसी घटता है लोडिंग करने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो क्वेश्चन है कि ट्यूनिंग ए है बी है दोनों को प्रोड्यूस तो बीट्स पर सेकंड प्रोड्यूस हुआ और ए का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है बीट का मतलब क्या होता है फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी डिफरेंस तो अगर ए का 400 है और फ्रीक्वेंसी डिफरेंस तीन है तो बी का फ्रीक्वेंसी क्या हो सकता है चार से तीन ज्यादा या चार से तीन कम क्योंकि बीट फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस तो या तो चार हो सकता है या थ्री हो सकता है अब सेकंड केस में कि उस बी को हम लोग वापिस से सी के साथ साउंड के सी का फ्रीक्वेंसी चार सौ पांच है तो अब दो बीट्स पर सेकंड हुआ तो फिर से लिख सकते हैं कि इस बार बी का फ्रीक्वेंसी क्या क्या हो सकता है चार सौ पांच से दो ज्यादा या दो कम तो चार सौ तीन या चार सौ सात दोनों स्टेटमेंट में कॉमन क्या आया चार सौ तीन इसका मतलब बी का फ्रीक्वेंसी कितना है चार सौ तीन ये एक मेथड भी है ट्यूनिंग फॉर का फ्रीक्वेंसी निकालने का सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बीट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बीट

तो जो ये दो दो पॉइंट बांधे हुए हैं ये दोनों दो पॉइंट तो वाइब्रेट करेंगे नहीं तो मतलब नोड का, का काम करेगा और ये स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगा तो ये दो नोड हो गए यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को एल कहेंगे और दो नोड के बीच का डिस्टेंस अभी अभी हम लोग जाने कितना होता है लामडा बाय टू तो एल का वैल्यू लामडा बाय टू कर दिए तो यहाँ से लामडा आ गया टूवल्व फ्रीक्वेंसी क्या होगा फ्रीक्वेंसी होता है वी बाय लामडा लामडा का वैल्यू लिख दिए टूवेल्व ये पहला केस था देखिए यहाँ के नंबर को देख करके यहाँ लिखते हैं और इसको हार्मोनिक बोलते हैं जब भी आप यहां का नंबर देख करके यहां लिखते हैं यहां कुछ नहीं तो वन है इसको हार्मोनिक बोलते हैं ये वन ये वन तो वी बाय टूवेल्व वी हम लोग जानते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग अंडर रूट टी वैम होता है पिछले लेक्चर में देखे थे सो वन बाय टूएल्व अंडर रूट टी वैमी इस फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं हार्मोनिक वर्ड हमेशा यहां के नंबर को देख के लिखते हैं ठीक है उसको फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं और इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं पहला तरीका ऑफ वाइब्रेशन यह पहला तरीका को फंडामेंटल कहते हैं दूसरे तरीकों को फर्स्ट ओवरटोन कहते हैं तीसरे तरीके को थर्ड ओवरटोन कहते हैं तो ओवरटोन वेज होता है और हार्मोनिक नंबर को देख के लिखते हैं ये पहला तरीका है ये दूसरा तरीका है पहला तरीका को फंडामेंटल दूसरे को फर्स्ट ओवरटोन तीसरे को सेकेंड ओवरटोन एंड सो वन और हार्मोनिक वर्ड नंबर को देख के लिखते हैं यहां वन है यहां वन है तो इसलिए यहां भी वन लिखिए इसको फर्स्ट हार्मोनिक है यहां टू मिलेगा तो यहां भी टू लिखेंगे इसको सेकेंड हार्मोनिक कहेंगे केस क्या हो सकता ये है ये ये है है यहाँ बीच में पकड़ ली तो ये भी नोट हो गया फिर वाइब्रेट करेंगे तो इस बार ये डिस्टेंस टू दो नोट के बीचेंस भीवेंसी वी बाय का यहां पे अब टू है तो यहाँ हम लोग टू लगा दिए इसको सेकंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन कहेंगे हार्मोनिक नंबर को देख के लिखते हैं और क्योंकि ये दूसरा वे है पहला वे को फंडामेंटल दूसरा वे को फर्स्ट कहते हैं सो अगर Nth लिखना होगा तो एनएथ हम लोग उसी को लिख सकते हैं एन बाई टूट टी बाई का एन वी बायल्व एफ एन क्या था वी बायल्व एफ टू क्या था

एक ये धागा होता है और ये धागा एक पोली से कनेक्टेड होता है एक ब्लॉक बंधा होता है बेसिकली इस धागे में टेंशन क्रिएट करने के लिए कितना टेंशन होगा एम के बराबर अब इस धागे में ये पॉइंट तो नोड है ये भी नोड है अब यहां पे एक रिज कनेक्ट कर देते हैं क्लिप समझ सकते हैं रिज मतलब क्लिप होता है ये क्लिप लगा दिए तो ये भी एक नोड होगा ये भी एक नोड होगा ये भी एक नोड होगा मतलब अब ये जो एक स्ट्रिंग है ये सिंगल स्ट्रिंग होगा इसका जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होगा ये ऐसे वाइब्रेट करेगा ना उस वाइब्रेशन को एफ कहेंगे इसका वाइब्रेशन एफ टू कहेंगे इसका वाइब्रेशन को एफ थ्री कहेंगे हम लोग जानते हैं अभी अभी हम लोग पढ़े कि फ्रीक्वेंसी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है एन बाय टूट टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यही वर्किंग प्रिंसिपल होता है सोनोमीटर का अब इसमें कैसे सवाल पूछे जाएंगे देखिए सवाल पूछा जाएगा एक क्वेश्चन करते हैं द लेंथ ऑफ अ सोनोमीटर वायर बिटवीन द टू एंड्स इज 1.1 मीटर मतलब यहां से यहां तक का लेंथ दिया हुआ है 1.1 मीटर पूरा लेंथ वेयर शुड द टू रिजे बी प्लेस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच सेगमेंट इज इन द रेशियो वन इज टू टू इज टू थ्री मतलब ये रिज कहां कहां लगा मतलब एल वन एल टू एल थ्री क्या क्या हो कि इनका जो एफ वन एफ टू एफ थ्री है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उसका रेशियो कितना है तो पहला चीज क्या दिया हुआ है टोटल लेंथ 1.1 है एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री का वैल्यू वन पॉइंट वन है अच्छा दूसरा चीज क्या दिया है कि फ्रीक्वेंसी का रेशियो रेशियोन एफ वन तो टू तो है। मतलब F1, पहला का फ्रीक्वेंसी लिखेंगे दू दूसरे का फ्रीक्वेंसी टू एफ नॉट तीसरे का फ्रीक्वेंसी थ्री एफ नॉट क्योंकि रेशियो दिया हुआ है हम लोग को पता है कि फ्रीक्वेंसी लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो अगर इक्वल टू लगा देंगे तो एक कॉन्स्टेंट के लिख सकते हैं तो पहला का फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है वो क्या लिखेंगे दूसरे का फ्रीक्वेंसी जो टू एफ नॉट है वो क्या लिखेंगे तो अब एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री पता है तो यहां से एल वन निकाल दिए के बाय नॉट एल टू निकाल दिए एल थ्री निकाल दिए और इस वाले क्वेश्चन में रख दिए तो यहां से के इज इक्वल टू पॉइंट सिक्स एफ नॉट आ अगले केस में क्या किए एफ नॉट हम लोग लिखे थे के बायन है पहला के लिए लिखे थे ना एफ नॉट इज इक्वल्स टू के बाय तो वापस से लिखे एफ नॉट इज इक्व टू के बाई एलवन और के वैल्यू तो अभी निकाल चुके हैं जीरो पॉइंट नॉट कर दिया एलवन का वैल्यू आ जाएगा सिमिलरली सेकंड केस का सिमिलरली थर्ड केस का सो so, ये होता है सोनोमीटर जो कि स्टैंडिंग वेव इन वायर पे स्ट्रिंग वेव इन स्ट्रिंग पे वर्क करता है नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गन पाइप ऑर्गन पाइप को ही विंड इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं दो तरह का होता है एक होता है ओपन एक होता है क्लोज्ड। ओपन ऑर्गन पाइप में दोनों एंड ओपन होता है और क्लोज में एक एंड ओपन एक एंड क्लोज होता है ओपन ऑर्गन पाइप में जो ओपन एंड होता है किसी भी ऑर्गन पाइप में ओपन एंड जो होता है वो एंटी एंटीनोड जैसा बिहेव करता है ओपन ओपन एंड एंड एंटी और closed end, जैसा तो सबसे पहले हम लोग ऑर्गन पाइप चलते हैं इस तरह से दिखा दिए ये भी एंड ओपन है तो ये एंटी नोट हो गया और ये एंड भी ओपन है ये भी क्या हो गया एंटी एंटीनोड अब दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है लामडा बैटू और इसको लेंथ ऑफ द ट्यूब कहेंगे तो यहां से हम लोग लैमडा निकाल लेंगे टूएल्थ एफ इज इक्वल्स टू वी बाई टूए देखिए यहां पे वन आया इसलिए इसको वन कर दिए एफ वन और एफ वन का मतलब ये हो गया फर्स्ट हार्मोनिक और ये फर्स्ट वे है इसलिए फंडामेंटल कहेंगे दूसरा वे इस तरह से बनेगा ये एंटी नोड ये एंटी नोड ये एंटी नोड इसमें तीन एंटी नोड होंगे यहां दो एंटी नोड था यहां पर तीन एंटी नोड है फिर नेक्स्ट वाले में चार होगा तो फिर से एंटी नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लैमडा बै टू यहां भी तो इस बार टू लैमडा बै टू दोनों को जोड़ेंगे तो वो एल के बराबर होगा इसलिए लैमडा लैमडा कितना हो जाएगा टूएल्व बाई टू फ्रीक्वेंसी वी बाय टूवेल्व बाई टू तो इस बार यहां टू आया इसलिए यहां टू लिख दिए फ्रीक्वेंसी एफ टू इसको सेकेंड हार्मोनिक कहेंगे और ये फंडामेंटल के बाद का है सेकेंड वे है तो फर्स्ट ओवरटोन देखिए ओवरटोन वे के हिसाब से होता है और हार्मोनिक नाम नंबर के हिसाब से ठीक है तो सब में देखिए वी बाय टूवल आ रहा है वी बाय टूवेल्व आ रहा है यहां पे वन आ रहा है फर्स्ट में यहां पर टू आ रहा है तो एन हार्मोनिक में क्या आ जाएगा एन वी बाय टूवल्व और ओवरटोन पूछेगा तो उससे एक कम हो जाएगा इसमें अब अगर क्लोज ऑर्गन पाइप हो तो ये एंटी नोड होता है ये नोड होता है वेरी इंपॉर्टेंट तो एंटी नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस लैमडा बाई फोर इज इक्वल्स टू फोर एल तो यहां से फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल फिर से यहां वन है तो ये फर्स्ट ये फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक सेकंड सिचुएशन ऐसा बनेगा ये एंटी नोड ये नोड बीच का डिस्टेंस लैमडा बाई फोर यह नोड ये नोड बीच का डिस्टेंस लैमडा बाई टू तो ये हो गया लामडा बायो प्लस लैमडा बाई टू इज इक्वल्स टू एल तो जोल दिए इस बाद लामडा आ गया फोर बाय थ्री फोर एल बाय थ्री तो यहां से फ्रीक्वेंसी लिखे तो v फ्रिक्वेंसी वी कहेंगे थर्ड हारमोनिक सेकेंड हारमोनिक यहां नहीं होता क्योंकि लेकिन ओवरटोन अभी भी सेम ही नाम होगा ओवरटोन का मतलब वेज होता है हार्मोनिक नंबर देख के लिखते हैं और ओवरटोन वेज से होता है तो ये सेकंड वेज है इसलिए फर्स्ट तो यहां पे चेंज हो जाता है इसलिए ध्यान में रखना है। तो अगर हम लोग देखें तो अगर एल तो तो यहां यहां लेकिन अगर ओवरटोन कहे तो ओवरटोन ये होगा एन माइनस वन बाई टूथरटोन अब यही इसको समझना है सही से देखिए क्या होगा क्वेश्चन पूछेगा कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का पांचवा हार्मोनिक पांचवा हारमोनिक का मतलब F5 तो फाइव वी बाय फोर एल लिख देंगे कहेगा क्लोज ऑर्गन पाइप का दसवां हार्मोनिक नहीं हो सकता और ऑड होता है सिर्फ ग्यार्मोनिक तो एफ इलेवन लिख देंगे तो ट्वेंटी हार्मोनिक कहे तो जो यहां दे यहां लिख दिए काम खत्म ओवरटोन कहे कहे कि क्लोज ऑर्गन पाइप का नौवा ओवरटोन तो ओवरटोन नाइन है

ऑड हार्मोनिक भी थे और इवन हार्मोनिक भी थे लेकिन क्लोज में सिर्फ और सिर्फ ऑड हार्मोनिक होता है यही कारण है कि साउंड क्वालिटी में क्वालिटी ऑफ साउंड उतना अच्छा होगा जितना ज्यादा फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस कर सकते तो जो ओपन ऑर्गन पाइप होता है वो ज्यादा सुपीरियर होता है साउंड क्वालिटी में देन द क्लोज ऑर्गन पाइप एंड सेकेंड पॉइंट एक साइंटिस्ट उनका नाम था लॉर्ड रिलेग रिलेग ने जब इस एक्सपेरिमेंट को इस चीज को स्टडी किया उन्होंने देखा कि नोड तो क्लोज एंड पे होता है लेकिन एंटी नोड जो है वो ओपन एंड पे नहीं होता थोड़ा सा यहां से शिफ्टेड होता है इस केस में भी और यहां पे यहां पे दोनों एंटी नोडी था ये यह यहां नहीं होता थोड़ा सा इससे दूर होता है इसको एंड करेक्शन कहा गया और उसको ई से लिनोट करते हैं इसका वैल्यू लॉड ने कैलकुलेट किया इसका वैल्यू होता है जीरो पॉइंट कैपिटल डी डी क्या है डायमीटर ऑफ द पाइप तो क्वेश्चन में अगर एंड करेक्शन बोल दे या डायमीटर ऑफ पाइप दिया है तो समझ आना है कि एंड करेक्शन का इस्तेमाल करना है भाई तो इंड करेक्शन अगर हो जाए तब ओपन ऑर्गेन पाइप का जो फॉर्मूला है उसमें वी बाय टू एल था पहले तो एल के जगह एल प्लस जीरो पॉइंट सिक्स टू डी कर देंगे क्योंकि दोनों साइड एंटी नोड है ना दोनों साइड दूर दू चले जाएंगे इसलिए और फॉर क्लोज एफ एन इज इक्वल्स टू एन वी बाय फोर टाइम्स ऑफ एल प्लस जीरो पॉइंट थ्री वन डी हो जाएगा ठीक है बस ये ध्यान में रखना अगर एंड करेक्शन कह दे तो लास्ट टॉपिक फॉर द डे इज रेजोनेंस ट्यूब रेजोनेंस ट्यूब का इस्तेमाल हम लोग करते हैं साउंड का वेलोसिटी एयर में कैलकुलेट करने के लिए देखो तो इस तरह का डिवाइस होता है एक रिजर्व पानी होता है यहाँ पे एक नॉब लगा देते हैं जब चाहे आप पानी को रेगुलेट कर सकते हैं इसमें पानी की हाइट को आप रेगुलेट कर सकते हैं यहाँ मान लीजिए एच हाइट तक पानी है इधर एयर का कॉलम है तो ये जो पानी का हाइट है ये यहाँ ये एंटी नोट जैसा बिहेव करेगा और ये जो ओपन है ये नोट जैसा तो बेसिकली ये एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होता है एक एंड

यहां पे हिट करते हैं और हिट करके यहां ले आते हैं तो यहां पे भी स्टैंडिंग वेव क्रिएट होगा और अगर इसका फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी सेम हुआ तब मैक्सिमम साउंड सुनाई पड़ेगा रेजोनेंस पर मैक्सिमम साउंड सुनाई पड़ता है तो दोनों का अगर फ्रीक्वेंसी सेम हुआ तब मैक्सिमम साउंड सुनाई पड़ेगा हमें ठीक है तो ये मान लो तो फंडामेंटल केस हुआ होगा ये नोड होगा यहां पे हम थोड़ा गलती किया ये एंटी नोड होगा और ये नोड होगा ये एंटी नोड होगा ओपन एंड है और ये नोड के बिहेव करेगा तो ये फंडामेंटल केस होगा ये एंटी नोड और ये नोड पहला केस तो इस केस का फ्रीक्वेंसी हम लोग जानते हैं क्या फार्मूला होता है तो यहां से यहां तक के लेंथ को एल वन कहेंगे और जानते हैं एंटी नोड यहां पर नहीं होता थोड़ा सा यहां से शिफ्टेड होता है डिस्टेंस e तो इज इक्वल्स टू नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लामडा बायर होता है तो लामडा बायर ठीक है पहला केस के लिए फर्स्ट एजोर के लिए फिर अगर पानी का लेवल्स में चेंज कर दें और अब लेंथ को एल टू कर दें दैट कि ये से ये सेकंड मोड से वाइब्रेट एंटी नोड बीच में नोड और एक और नोड तो अब लेंथ हो गया एल टू सा शिफ्टेड ई से तो एल टू प्लस ई e, और लेंथ कितना एल टू प्लस ई e, और नोड से फिर नोड तो लामडा बाय टू और फिर नोड से एंटी नोड थ्री लामडा फोर ठीक है तो यहां से हम लोग दोनों को अगर माइनस कर दें तो लामडा निकल जाएगा यहां से फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा इस पर डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है द फर्स्ट टू लेंथ ऑफ एयर कॉलम रेजोनेंस ट्यूब में दिया एल वन एल टू फिलोस दिया रहता है फ्रीक्वेंसी पूछा जाता है ये क्वेश्चन बहुत फेमस है और नीट में बहुत बार आया हुआ है रेजोनेंस ट्यूब ध्यान रखना इस बात को मैं एक बार यहां से फिर से समझाता हूँ सेकंड वाला क्या बोले दो मोड है ना ये एंटी नोड और नोड एक बार हुआ और ये दूसरा एंटी नोड 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 तो यही दोनों का उसमें दिखा हुआ तो एक बार एल का वैल्यू लामडा फोर होता और एक एल का वैल्यू थ्री लामडाइफर होता बस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू जो सोनोमीटर का है बहुत सिंपल सा एक मास दिया हुआ है वन के जी का मतलब उसमें टेंशन दस न्यूटन होगा मास तो नीचे लटका होता है ना पुली के साथ इसका डेंसिटी दिया, इस दिया हुआ है इस ब्लॉक का डेंसिटी इसका यूज पड़ेगा आगे और इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है सोनोमीटर बेसिकली एक वायर होता है और वायर में स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होता है जिसके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वन बाई टू एल अंडर टी वा यू यहाँ पर टेंशन टी वन दस न्यूटन दिया हुआ है बाकी एल तो उस वायर का लेंथ है

बाकी सब तो कॉन्स्टेंटली टी टू वैल्यू रख देंगे और इन लोगों को डिवाइड कर देंगे पहला केस का फ्रीक्वेंसी पता है दूसरा केस का निकल जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व जो जी एडवांस का है वो कह रहा है कि दो मैन है और एक मेटल फेंस है और वो लोग कुछ दूरी पर है एक्स डिस्टेंस पर वही निकालना हम लोग को कह रहा है कि जो पहला मैन है उस आदमी ने एक नॉक किया है मर से जिससे साउंड प्रोड्यूस होगा अब ये जो साउंड है ये दो मीडियम में जा सकता है एक तो हवा के थ्रू प्रोपोगेट होके जाएगा और दूसरा वो जो मेटल का फेंस है उसमें भी प्रॉपर होकर जाएगा मेटल में साउंड का स्पीड ज्यादा होता है है दिया हुआ मीटर पर तो तो वो तो तुरंत पहुंच जाएगा कितना टाइम लगेगा उसको पहुंचने में अगर निकालना चाहे तो मान लिया डिस्टेंस एक्स है तो एक्स बाय फाइव टू एट जीरो कम होगा और जो साउंड एयर से जाएगा उसमें कितना टाइम लगेगा एक्स बाय स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इन दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है द टू साउंड्स सेपरेटेड 176 अ टाइम ये पॉइंट फाइव सेकंड पार्ट है जिसमें हम लोग वेव इक्वेशन वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे जितना पार्ट बच गया था कल उसको आज चर्चा करेंगे सबसे पहले इक्वेशन ऑफ वेव इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, वेव। हम लोग दो टर्म मिलेगा हम लोग को

K को एंगुलर वेव नंबर कहते हैं टू पाई लॉडा के बराबर होता है, 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 right है. राइट वर्ड मतलब जा, right जा रहा है और अगर यहां पॉजिटिव साइन कर देव निगेटिव तो में जा रहा है एक्चुअली यहां पॉजिटिव यहां निगेटिव यहां पॉजिटिव यहां निगेटिव इसका मतलब होता है वेव पॉजिटिव में जा रहा है और दोनों जगह अगर पॉजिटिव हो जाए या दोनों जगह निगेटिव हो जाए दोनों जगह पॉजिटिव या दोनों जगह निगेटिव हो जाए इसका मतलब वे निगेटिव में जा रहा है इस टर्म को ओमेगा टी माइनस के एक्स को हम लोग फेज कहते हैं ओमेगा टी माइनस के एक्स को फेज कहते हैं इसी का दूसरा नाम है इपोक अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है कुछ फॉर्मूला इसको याद रखना है सबसे पहला कि मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी भी कभी पूछ देगा तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा

ओमेगा होता है टू पाई एफ, ओमेगा टू पाई एफ, और के का फॉर्मूला देखे टू पाई तो, तो दोनों कॉमन ले लिए भी एक इक्वेशन है समझ लीजिए इसका इक्वेशन ऐसा भी लिखा रहता है इसका इक्वेशन ऐसा भी लिखा रहता है, है। तो चारों फॉर्म में आपको इक्वेशन याद रखना है बस एक दूसरे को कन्वर्ट किया गया है अलग अलग तरीके से लिखा गया है तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस टाइम डिफरेंस तो सबसे पहला फॉर्मूला है रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस एट गिवन टाइम पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच रिलेशन एक गिवन टाइम पे मतलब टाइम अभी दिया हुआ है तो देखिए फेज क्या होता है ओमेगा टी माइनस के एक्स फेज होता है ओमेगा तो पहला इनिशियल फेज फाइव क्या लिखेंगे ओमेगा टी क्योंकि टाइम गिवन है इसलिए तो टाइम चेंज नहीं हुआ

तो फाइव वन क्या लिखेंगे ओमेगा टी वन माइनस के एक्स फाइव टू क्या लिखेंगे अब आते हैं हम लोग एक और फॉर्मूले पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बता दिए पार्टिकल वेलोसिटी एक फॉर्मुला और याद रखना है पार्टिकल एक्सलेशन का ये फॉर्मूला होता है टू टी टी। रिलेशन एक पार्टिकल एक्सन का कुछ नहीं इसको दो बार डिफरेंसिएट कर देंगे जो वेव इक्वेशन है तो उस पार्टिकल एक्स में आ जाएगा तो ये याद रखना है ये होता है पाई पाई स्क्वायर स्क्वायर इसको बस कर दिया कुछ और नहीं किया बहुत सिंपल था याद रखना ए इंटू ओमेगा स्क्वायर ए इंटू ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा को लिख दिया ओमेगा होता है टू पाई बाई टी उसका स्क्वायर किया गया तो ओमेगा स्क्वायर मैक्सिमम है बाकी ये चीज वही है इस क्वेश्चन में सारा चीज दिया हुआ है और आपसे वेरियस चीज पूछा है जो पिछले में देखे थे तो सारा चीज खाली रख करके चेक कर देना है

माइनस लिखेंगे अगर वेव पॉजिटिव में जा रहा होगा पॉजिटिव एक्स में और प्लस लिखेंगे अगर वेव निगेटिव एक्स में जा रहा है ये कन्वेंशन है सिमिलरली अगर वाई टू एफ एक्स एक फंक्शन है y x का फंक्शन है तो वेव इक्वेशन निकालने के लिए x को आप रिप्लेस कर देंगे x माइनस वीटी से माइनस क्यों क्योंकि अगर पॉजिटिव में जा रहा है तो और अगर निगेटिव में जा रहा है तो प्लस ले लेंगे इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं देखिए ये पहला जो सीपीपी का सवाल है इसमें दिया हुआ है कि द वेव फंक्शन ऑफ ए पल्स इसमें पूरा का पूरा वेव फंक्शन दे दिया है वेव फंक्शन को ध्यान समझते हैं ये वाई इज इक्वल्स टू थ्री बाय टू प्लस एक्स माइनस फोर टी का स्क्वायर लिखा हुआ है तो बिल्कुल देखिए यहां यही वाला चीज यूज किया है एक्स माइनस वीटी लिखा हुआ है ना ये देखिए तो आपसे पूछा है डिटरमिन द वेव वेव वेलोसिटी इसका एक्स माइनस वीटी तो, तो, तो वेलोसिटी कितना हो गया फोर मीटर पर सेकेंड और क्या पूछा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव तो यहां माइनस है इसका मतलब वेव प्लस एक्स में जा रहा है अगर यहां प्लस होता है इसका मतलब वेव माइनस एक्स में जा रहा है ठीक है. है? इसको हम लोग कंपेयर कर लेंगे लिखा हुआ है टू साइन इसको आप अंदर भेज दीजिए टू साइन ऐसे देखिए हम लोग पीछे बहुत सारे इक्वेशन दिखे थे ना सारा इक्वेशन को याद रखने का जरूरत नहीं आप सिर्फ ये वाला इक्वेशन याद रखिए ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स टी के साथ जो होगा उसको ओमेगा कहेंगे, कहेंगे बस इतना याद काफी 15X टू इंटू टी, तो टी के सामने वाला ये हो गया ओमेगा और एक्स के सामने वाला ये हो गया के अब के और ओमेगा पता है तो ओमेगा को टू पाई के बराबर कर देंगे तो वहां से फ्रीक्वेंसी आ जाएगा के को टू पाएडा के बराबर कर देंगे तो वहां से लामडा आ जाएगा एम्प्लीट्यूड तो सामने वाला दिख ही रहा है और स्पीड स्पीड वी होता है एफ एन टू लैमडा वहां से आ जाएगा तीसरा क्वेश्चन एक और हम लोग समझते हैं कि ये देखिए एक वेव ये एक इक्वेशन दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू सिक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस थ्री ये किसका फॉर्म है वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है और आपको इसका वेव इक्वेशन चाहिए तो एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दिया हो तो कैसे निकालेंगे एक्स माइनस बी टी लिखेंगे वेव में जा रहे तो, तो देखिए लिखा हुआ है वट विल बी द एम्पलीटूड एंड वेव फंक्शन रिप्रेजेंटिंग किधर जा रहा है पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव एक्स जा रहा है मतलब से रिप्लेस कर देंगे, और वी दिया हुआ है, कितना? तो तो बस एक्स की जगह क्या लिख देंगे स्कौर्ण था, स्कौर्ण लगा प्लस जैसा था वैसा ही तो इस वेव लिखता है। दूसरी बात इसमें एम्प्लीट्यूड भी पूछा था एम्पलीट्यूड मतलब वैल्यू फंक्शन मैक्सिमम तब होगा जब ये डिनोमिनेटर सबसे छोटा हो और डिनोमिनेटर सबसे छोटा कब होगा जब एक्स छोटा हो कोई भी स्क्वायर नंबर सबसे छोटा जीरो का होता है पूछा हो गया 14 है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क ए इज टू परसेंट मोर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्टैंडर्ड ट्यूनिंग फोर्क एक स्टैंडर्ड ट्यूनिंग फोर्क फॉर्क है और उससे ए का फ्रीक्वेंसी 2% ज्यादा है तो स्टैंडर्ड का हम लोग एक्स मान लेते हैं तो ए का कितना होगा एक्स से 2% ज्यादा मतलब 102 सौ दो बाय सौ इंटू एक्स ठीक है अब कह रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ट्यूनिंग फॉर्क B इज 3% परसेंट लेस देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेम स्टैंडर्ड ट्यूनिंग फॉर्क तो बी का कितना हो जाएगा 3% कम मतलब 97 सेवन बाय हंड्रेड एक्स अब कह रहा है कि एक दूसरेट किए तो कितना बीट प्रोड्यूस हुआ सिक्स बीट का मतलब क्या होता है सिक्स तो ये बीस हो गया एक्स का वैल्यू एक सौ बीस हर्ट ये एक्स का वैल्यू हुआ आपसे किसका वैल्यू पूछा है एक्स मतलब स्टैंडर्ड का हो गया अब से किसका वैल्यू पूछा है देखो एक सौ बीस भी ऑप्शन में तो आपसे ए का पूछा तो ए का वैल्यू यहाँ रख देंगे एक सौ दो बाई सौ इंटू एक सौ बीस ये जीरो जीरो कटा ये दस से ये वन पॉइंट टू हो जाएगा और वन पॉइंट टू मल्टीप्लाई करेंगे तो बाद में चौबीस के साथ मेरा दो जीरो वन ट्वेंटी टू पॉइंट फोर हर्ट्स बी ऑप्शन सही है आगे एक बस इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो याद रखना है इंटेंसिटी ऑफ वेव कभी भी वेव का इंटेंसिटी पूछ दे तो उसका ये फार्मूला होता है टू पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो इंटू वी सबसे पता है आपको एफ फ्रीक्वेंसी है ए एम्पलीट्यूड है वी वेलोसिटी है उस वेव का और रो उस मीडियम का डेंसिटी इसमें वो चल रहा है इसी फार्मूले को ओमेगा के टर्म में लिखे टू पाई स्क्वायर था तो हाफ इंटू इसको फोर पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर कर दिया सेम रहने रहिए खाली यहां फोर कर दिए ताकि ये जो टर्म है इसको ओमेगा स्क्वायर लिख सके यहां पे एक बात याद रखना है इंटेंसिटी जो होता है वो एम्पलीट्यू के स्क्वायर के डायरेक्टिव प्रपोजन होता है इसी बेस्ड एक सवाल है इसमें डायरेक्ट यही पूछा है इंटेंसिटी ऑफ वेव तो ये फॉर्मुला लगा देना आपको सारा चीज यहां से इक्वेशन देख करके कर लिख लेंगे और सारा चीज लगा देंगे आपको इंटेंसिटी मिल जाएगा अगला जो यहां पर टर्म है वो है इंटरफेरेंस अब इंटरफेरेंस क्या होता है दो वेव का मिलना इस फिनोमिन को हम लोग इंटरफेरेंस कहते हैं

तो इंटरफेरेंस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो वाई वन प्लस एड करेंगे फंक्शन लगाना पड़ेगा आपको ये याद रखने का जरूरत नहीं है आपको ये फाइनल याद रखना है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वाय रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होगा ए वन स्क्स ए टू स्क्स टू ए वन ए टू कॉस डेल्टा यह फॉर्मला याद रखना है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने का और हम लोग अभी पढ़े थे कि इंटेंसिटी जो होता है वो एम्पलीट्यूड स्क्वायर के बराबर होता है तो एम्पलीट्यूड स्क्वायर को इंटेंसिटी कर दिया आई इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला होता है ये इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगा जब ये जो डेल्टा है वो टू पाई एन के बराबर हो जाए टू एन के बराबर इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस कहते हैं मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस तब होता है जब फेज डिफरेंस जब फेज डिफरेंस टू एन पाई के बराबर हो जब फेज डिफरेंस टू एन पाई के बराबर हो डेल्टा फाइव और हम लोग डेल्टा फाइव लिखे थे वो टू पाई बाय लैम्डा लिखे थे इनटू पाथ डिफरेंस है ना तो टू पाई टू पाई कट जाएगा तो डेल्टा पी पाथ डिफरेंस कितना होगा एन लैमडा जब भी पाथ डिफरेंस के बराबर होगा तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दो टाइप का इंटरफ्रेंस कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कब होगा जब फेज डिफरेंस टू एन प्लस के बराबर हो उसके कॉस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस भी निकाल सकते हैं हम लोग सीपीपी क्वेश्चन नंबर फाइव पे आते हैं एक हार्मोनिक वेव दिया हुआ है मतलब प्रोग्रेसिव वेव wave, उसका वेवलेंथ दिया हुआ है एम्पलीट्यूड दिया, दिया हुआ है वेलोसिटी दिया हुआ है म्यू मास पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है और वो चल रहा है टू द लेफ्ट अलॉन्ग एक्सिस मतलब इधर चल रहा है ठीक है तो जब आप यहां इक्वेशन लिखेंगे तो साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स लिख देंगे बस यही है बाकी साजिश पूछा फ्रीक्वेंसी पूछा है तो वेवलेंथ दिया हुआ है वेलोसिटी दिया वेलासिटी दी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ

वो एक ऐसे सरफेस से टकराया जिसका जो सरफेस के जो है फिक्सड है वॉल है उससे टकराया तो इसका फेज 180 डिग्री से चेंज कर जाता है पाए से तो ये टकराया कितने से चेंज करेगा पाए से मतलब इसका सेप उल्टा हो जाएगा ऐसा अगर कोई वेव किसी फ्री सरफेस से टकराया मतलब जो सरफेस फिक्स नहीं है एंड फ्री हो तब टकराने से रिफ्लेक्ट तो होगा लेकिन उसका फेज चेंज नहीं होगा नो फेज देखिए सेप सेम रहा और तीसरा है कि अगर एक ऐसे पॉइंट से टकराए वेव जो पॉइंट ना ही टाइट कंप्लीटली फिक्स है ना ही कंप्लीटली फ्री है तो इसका एग्जाम्पल है कि एक मान लीजिए पतला सा धागा है उसको एक मोटे से धागे से कनेक्ट कर दिए ये पतला धागा है है ये ये मोटा धागा है। ये यहां लिखा हुआ है और इस पतले धागे को में कोई वेव पल्स जनरेट किए जब ये यहां पहुंचेगा वेव तो दो वेव जनरेट होगा एक ऐसा वेव ट्रांसमिटेड जो इसमें ट्रांसमिट कर जाएगा मोटे वाले में और एक जो इसी वाले पतले वाले में रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो जब कोई पतला वेव पतला वायर में मतलब थिन वायर में प्रोपिगेट करता हुआ वेव किसी जंक्शन में पहुंचता है जिसके आगे मोटा वायर हो डेंस वायर हो डेंस वायर है तो उसमें वेलोसिटी 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 कम कम होगा 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 डेंस डेंस वायर वायर में क्या क्या क्योंकि होता है है टी बाय म्यू तो वायर है तो म्यू ज्यादा होगा तो कोई पतले वायर में चलता हुआ वेव अगर मोटे वायर के जंक्शन के पे पहुंचेगा तो जो वेव ट्रांसमिट होगा वो इसी नेचर का होगा और जो रिफ्लेक्ट होगा वो अपोजिट नेचर का होगा ठीक है लेकिन अगर उल्टा केस हो मोटा वायर में चलता हुआ वेव पतला वायर के जंक्शन पे पहुंच जाए तब जो ट्रांसमिटेड होगा वो तो उसी सेब का होगा ही ट्रांसमिटेड हमेशा उसी सेप का होता है जो ओरिजिनल वेव है जो रिफ्लेक्टेड होगा वो भी उसी सेप का होगा कोई चेंज नहीं होगा फेज में ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है ये दो लाइन यहां लिखे हुए हैं ये दो तीनों लाइन अच्छे से आप लोग देख लेंगे इसको लिख लेंगे कॉपी में टॉपिक है स्टैंडिंग वेव स्टैंडिंग वेव इज फॉर्मड व्हेन टू आइडेंटिकल वेव ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन अलोंग द सेम लाइन इंटरफेयर आपके पास दो वेव होना चाहिए जो कि सेम लाइन में प्रोपोगेट करे उनका वेवलेंथ सेम हो फ्रीक्वेंसी सेम हो एम्पलीट्यूड सेम हो तब ऐसे वेव का जब प्रोपगेशन होता है तो स्टैंडिंग वेव फॉर्म होता है तो यहाँ पे वही दो वेव लिया गया है एक ए साइन ओमेगा माइनस के एक्स और दूसरा वेव जो है ए साइन उल्टा है इसका के एक्स प्लस ठीक है ओमेगाटी प्लस के एक्स आप कह सकते हैं तो दोनों देखिए दो अपोजिट डायरेक्शन चल रहा है

प्रोग्रेसिव वेव के दो पॉइंट के बीच का जिसका बीच का डिफरेंस दिया हुआ है कितने दूर है और वो फेज डिफरेंस का वैल्यू भी दिया हुआ है।, तो तो है एक क्वेश्चन में और क्या पूछा है? पहले वाले वेवलेंथ पूछा था शायद तो यहां से निकाल लेंगे अब ये वाला फेज डिफरेंस निकालना डेल्टा फाइव का फॉर्मला पता है एक्स का वैल्यू और फिर पूछा है तो हम लोग पढ़े थे दो कंजीक्यूटिव नोड के बीच का डिस्टेंस लामडा बाय टू होता है तो वहां से आप निकाल सकते हैं इसके बाद के सारे टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिए थे स्टेशनरी वेव इन स्ट्रिंग कितना होता है उसके बाद आगे है स्ट्रेस स्ट्रिंग के बारे में ये सारे क्वेश्चन हैं फिर ये सी पी पी है ये सारी चीज आपको करने हैं देन आगे है साउंड वेव के बारे में ये भी मैंने पढ़ा दिया था एक टर्म बच गया था वो था लाउडनेस लाउडनेस के बारे में कभी कभी पूछा जाता है लाउडनेस को डेसिबल में मेजर करते हैं

ये सब के बारे में डिस्कशन है तो ये सब आप लोग पढ़िए सारे इलुस्ट्रेशन सॉल्व करने हैं सारे सीपीपी के सवाल सॉल्व करने हैं जेई मेन्स जे एडवांस यहां तक मेडिकल वालों को करना है और इंजीनियरिंग वालों को आगे भी करना है इसका इसमें दो एक्सरसाइज और है जो सॉल्व सब्जेक्टिव और सोल्व ऑब्जेक्टिव करके एक्सरसाइज है वो भी करना है इंजीनियरिंग वालों को डॉपलस इफेक्ट भी एक टॉपिक था वो भी मैंने पढ़ा दिया था दैट्स ऑल थैंक यू एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे वो इंटरफ्रेंस पे बेस्ड है इंटरफ्रेंस पे बेस्ड ये सवाल हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर तेईस जो जो एडवांस का है बहुत अच्छा सवाल है लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें एक क्वेश्चन और करना पड़ेगा तब तो हम लोग तेईस करेंगे तब तो बहुत आसान रहेगा क्वेश्चन ये है कि देखिए एक सर्कल है और इस सर्कल का रेडियस बहुत ज़्यादा है इसका रेडियस लामडा से भी बहुत ज़्यादा है दो सोर्स है एक एस वन एक एस टू और इन दो दो सोर्स के बीच का डिस्टेंस लामडा है एक ऑब्जर्वर है यहां पे और ये यह ऑब्जर्वर यहां घूम घूम करके चेक करता है कि कब कब इसको मैक्सिमा सुनाई पड़ता है मैक्सिमा मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कितने पॉइंट पे मिलेगा ये सवाल है व्हाट इज द क्वेश्चन देर आर टू सोर्सेस एस वन एंड एस टू हुज मिड पॉइंट इज एट सेंटर एंड द सोर्सेज आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस लैमडा द ऑब्जर्वर इज मूविंग ऑन सरकमफेरेंस

लामडा हुआ तब भी मिलेगा टू लामडा हुआ तब भी मिलेगा थ्री लामडा हुआ तब भी मिलेगा फोर लामडा हुआ तब भी मिलेगा एन लामडा होना चाहिए जब यह ऑब्जर्वर यहां है तो इस वाले सोर्स से जो साउंड निकलेगा वो यहां से निकल के यहां तक पहुंचेगा ये रेडियस के बराबर ऑलमोस्ट और यहां से जो निकलेगा ये इन दोनों के बीच इस डिस्टेंस को आप डी मान दो रेडियस नहीं इस डिस्टेंस को डी मान दो ये डिस्टेंस कितना होगा डी प्लस लामडा तो एस टू से एस टू वाला जो वेव है वो कितना डिस्टेंस चला डी एस वन वाला कितना चला डी प्लस लैमडा पाथ डिफरेंस कितने का दोनों दो के बीच में तो तो सुनाई पड़ेगा जब ये बिल्कुल इसके पे यहां, पर, तब क्या कि यहां से एक वेव निकलेगा जो कि इतना डिस्टेंस चलेगा और यहां से निकलेगा दोनों तो तो है पाथ डिफरेंस कितना दोनों पाथ डिफरेंस जीरो तब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा यहां मिलेगा फिर जब वो यहां पहुंचेगा से मिले यहां मिलेगा यहां मिलेगा मतलब उसको चार जगह मिलेंगे यहां पर पाँच डिफरेंस कितना था लैमडा यहां पर पाँच डिफरेंस कितना था जीरो राइट तो चार पॉइंट ऐसे मिलेंगे लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में कहे कि ये पाथ डिफरेंस इन दोनों बीच स1, के बीच का डिस्टेंस एस वन एस टू के बीच का डिस्टेंस टू लैम्डा है तब बताइए इस ऑब्जर्वर को कितना बार तब इस ऑब्जर्वर को कितना बार मैक्सम मिलेगा तो टू लैम्डा है तो जब ये यहां होगा तो यहां पर तो जब यहां होगा ऑब्जर्वर तब तो टू लैमडा का पांच डिफरेंस होगा ये वाला चलेगा ये कितना, है तो ये कितना चलेगा टू लैमडा पांच डिफरेंस का तो यहां पर उसको मिलेगा जब ये यहां पहुंचेगा तो जीरो का लेकिन जीरो और टू लैमडा के बीच एक लैमडा भी आता है मतलब यहां कहीं उसको एक और मिलेगा मैक्सिमा लैमडा पर क्योंकि मैक्सिमा कब कब मिलता है जीरो हो जाए पांच डिफरेंस टू लैमडा हो जाए लैमडा हो जाए थ्री लैमडा हो जाए तो यहां पर पाथ डिफरेंस जीरो है यहाँ पे पाथ डिफरेंस टू लामडा है तो कहीं ना कहीं तो लामडा तो होगा ना तो यहां मिलेगा यहां मिलेगा अगर क्वेश्चन में थ्री लामडा का यहां हो गया जीरो तो कहीं लामडा होगा कहीं टू लामडा होगा तो अब इस बार नौ बार मिलेगा सॉरी नौ बार बोलते बारह बार मिलेगा थ्री लामडा टू लामडा लामडा जीरो तो चार यहां हो गए इस तरह करेंगे तो बारह बार चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह बार मिलेंगे अगर यहां पे फोर लैम्डा कर दे तब सोलह लैम्डा कर दे बीस बार मिलेगा अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरह से पूछते हैं कि ये जो ऑब्जर्वर है इसको यहां रहने दीजिए ये ऑब्जर्वर यहां है परपेंडिकुलर बायसेक्टर पर ठीक है और ये सोर्स यहां है और इन दो सोर्स के बीच का पाथ डिफरेंस अब फाइव लैमडा का हो गया कितना का हो गया फाइव लैमडा का तो फाइव लैमडा का हो गया तो यहां पर भी मैक्समा मिला होगा फाइव लैमडा होगा पाथ डिफरेंस यहां कहीं फोर लामडा होगा यहां कहीं थ्री लामडा होगा यहां कहीं टू लामडा होगा यहां कहीं वन लामडा होगा यहां कहीं जीरो होगा इतने मैक्समा होंगे तो अब जरा देखिए अगर हम इसको घुमाएं तो ये पॉइंट शिफ्ट होंगे तो इस ऑब्जर्व को कितना जगह मैक्समा मिलेगा पहला तो यही वाला मिल गया जीरो वाला फिर ये लामडा वाला एक दूसरा मिलेगा फिर ये टू लामडा वाला तीसरा थ्री लामडा वाला चौथा फोर लामडा वाला पांचवा यहां पे एक और फाइव लामडा वाला छठा छह मिल जाएंगे लेकिन क्वेश्चन नंबर तेईस जो है उसमें कह रहा है कि पांच मैक्सवा मिलता है यही क्वेश्चन है कि दो स्पीकर है तो आप उसको सोर्स के साथ ट्रीट कर सकते हैं दो मीटर का डिस्टेंस इनके बीच का और पांच मैक्सवा मिलता है तो फाइव लाम लिए तो छह मैक्सवा मिला तो फोर लैम लेंगे तो पांच मैक्सवा मिलेगा तो बेसिकली ये जो दो मीटर है ये फोर लामडा का वैल्यू है फोर लामडा तो लामडा निकल जाएगा पॉइंट फाइव दैट्स ऑल